हेलो क्लास एट्थ बेटा, चैप्टर नंबर 9 फोर्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में, लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन आज हम कवर करेंगे, रीडिंग करेंगे इसका। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। नाउ वी नो दैट वी कैन नॉट सी द फोर्स इटसेल्फ। हम जानते हैं कि हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, बट वी नोटिस, लेकिन हम नोटिस कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं इट्स इफेक्ट, इसके प्रभाव को। दीज इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ पुल और पुश। तो ये जो इसका एक प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, पुल होता है, कोई धक्का या खिंचाव, पुश होता है। इन ऑल काइंड्स ऑफ पुशेज और पुल्स वी मस्ट अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी। हर एक प्रकार के पुश और पुल में हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, डायरेक्टली या तो डायरेक्टली करते हैं और थ्रू सम कनेक्टर या किसी कनेक्टर के द्वारा। समटाइम्स फोर्स कैन एक्ट थ्रू डिस्टेंस। और कभी कभी क्या होता है कि फोर्स प्रभावी होता है, एक्ट करा जाता है ना, अप्लाई किया जाता है थ्रू डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपको पिक्चर्स बना के दिखाई हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो आप पिक्चर्स देख के ही पता लग जाएंगे कि जिस बॉडी के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट हो रहा है, वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, और जहाँ पर हमारी बॉडी अप्लाई टच नहीं कर रही है किसी चीज़ को, किसी आर्टिकल्स को, तो वहाँ पर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं सबसे पहले। व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड फिजिकली, है ना, जब फोर्स फिजिकली अप्लाइड होता है थ्रू ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज होता है, फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्सेज, फ्रिक्शनल फोर्सेज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज। साइकिलिंग, पुशिंग एंड पुलिंग द ड्रॉअर ऑफ टेबल, किकिंग ए बॉल एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हमारे पास कौन कौन से होते हैं, चलिए देखिएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे पास मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स होता है। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो देख लेते हैं यहाँ पर हम इसके बारे में क्या पढ़ा गया है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड विदाउट ए डायरेक्ट और विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अगर कोई फोर्स ऐसा अप्लाई होता है कि जहाँ पर डायरेक्ट या विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो बिटवीन टू बॉडीज, है ना, तो दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन नेल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस से, यानी कुछ दूरी से ही मैग्नेट क्या कर लेती है, जो हमारे लोहे की कीले होती हैं, नेल्स होती हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेती है, तो वो भी एक तरह का फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स इज देयरफॉर ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो हमारी अर्थ है, इसका ग्रेविटेशनल जो पुल है, फोर्स है, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, विच अट्रैक्ट्स, जो अट्रैक्ट करता है सभी बॉडीज़ को, ऑल द बॉडीज टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ की तरफ, है ना। तो यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से हो गए हमारे पास, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स, ये सब हमारे एग्जांपल्स हो गए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन पुल टिनी बिट्स ऑफ ड्राई पेपर इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो पुल कर सकता है छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज किस किस तरह के होते हैं, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैविंग डिफरेंट सोर्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो फोर्सेज अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग सोर्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्सेज डिस्क्राइब बिलो, कुछ इंपॉर्टेंट फोर्स हमने यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स और बायोलॉजिकल फोर्स, यानी जो हम अपनी मसल्स के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा लगाते हैं वो मस्कुलर फोर्स होता है। इट इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय ए मसल्स ऑफ द बॉडी, ये हमारी मसल्स जो होती हैं बॉडी की उसके द्वारा लगाया जाता है, कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल व्हाइल लिफ्टिंग द स्कूल बैग, जब हम स्कूल बैग उठाते हैं, यू अप्लाई फोर्स यूजिंग द मसल्स, आप अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं फोर्स लगाने के लिए, ऑफ योर आर्म, जो आपके हाथ होते हैं, है ना, उनकी मसल्स का यूज़ करते हैं। यू कैन फील द स्ट्रेन ऑन योर आर्म मसल्स एज यू लिफ्ट द बैग, और जब आप बैग उठाते हैं तो आप स्ट्रेन का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, यानी वो एक तरह का फोर्स होता है जो अपने मसल्स पर आप एक्सपीरियंस करते हैं। व्हेन यू लेट द बैग गो डाउन
योर मसल्स रिलैक्स। जब आप बैग उतार देते हैं अपने मसल्स, तो आपकी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, उनको आराम मिलता है। वी नीड टू अप्लाई सच मस्कुलर फोर्सेस ऑल द टाइम। हम वी नीड अप्लाई, तो हमें ज़रूरत होती है इस तरह के मस्कुलर फोर्स की ऑल द टाइम, टू पुश किसी चीज़ को पुश करने के लिए, पुल थिंग्स चीज़ों को खींचने के लिए, स्क्वीज वाटर है ना, स्क्वीज आउट आउट द वेट क्लॉथ्स, हमें जो कपड़े सुखाने होते हैं उनको निचोड़ने के लिए, और टू ची फूड खाने को चबाने के लिए, टू वॉक और रन हमें चलने के लिए और दौड़ने के लिए, सभी चीज़ों के लिए हमें क्या होती है, मस्कुलर फोर्स की ज़रूरत होती है। एनिमल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू अप्लाई मस्कुलर फोर्स टू मूव अराउंड इन सो मैनी डिफरेंट वेज। तो एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट ये सभी जो हैं अलग अलग तरह के मस्कुलर फोर्स लगाते हैं अपने डिफरेंट तरीक़ों में, डिफरेंट वर्क्स में। ऑक्सन यूज मस्कुलर फोर्स टू पुल ए बुलक कार्ट, जो बैल होता है वो मस्कुलर फोर्स लगाता है बैलगाड़ी को खींचने के लिए। सिमिलरली ए कैमल यूजेस मस्कुलर फोर्स, इसी तरह कैमल जो होता है वो मस्कुलर फोर्स लगाता है टू कैरी पीपल, जो पीपल्स होते हैं और लोड होता है, सामान होता है भारी भारी, तो डेजर्ट में उसको उठाने के लिए क्या करता है, मस्कुलर फोर्स लगाता है कैमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। और नाउ कम्स ऑन द इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी स्ट्रेच ट्विस्ट और बैंड सर्टेन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्प्रिंग रबर बैंड और स्पॉन्गी, दियर शेप एंड साइज चेंजेस। जब हम किसी ऐसी आर्टिकल को, ऐसी वस्तु को खींचते हैं या मोड़ते हैं, बैंड करते हैं ऑब्जेक्ट को, कैसे ऑब्जेक्ट लाइक स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग हो गया, रबर बैंड हो गया, स्पॉन्गे हो गया, तो वो अपनी शेप और साइज बदल लेते हैं। द फोर्स विच एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। जो इस पर फोर्स वर्क करता है उसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ ट्विस्ट आर ट्विस्टिंग ऑफ वेट क्लॉथ। वेट कपड़ों को आप ट्विस्ट करते हैं, पुलिंग और स्ट्रेचिंग। स्प्रिंग को आप खींचते हैं या स्ट्रेच करते हैं, बोथ द एंड एंड से है ना। प्रेसिंग ए स्पोंगे, स्पोंग को आप क्या कहते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो क्या है, वो सब क्या है, इलास्टिक फोर्स है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। द फोर्स एग्जर्टेड बाई एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। और किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉडी जो चार्ज होती है उसके द्वारा जो कोई फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। द फोर्स एक्ट्स ऑन फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये थोड़ी डिस्टेंस से लगता है, देयर फोर इट इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। चलिए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड टेंडिंग टू अपोज मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक ऐसा फोर्स जो दो सरफेस के बीच लगता है, कॉन्टैक्ट होने पर लगता है, और वो अपोजिट होता है मोशन का, जो टेंडिंग टू अपोज मोशन, जो अगर कोई मोशन हो रही है तो उस मोशन को रोकने का प्रयास करता है, ट्राई करता है, तो वो कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। इट इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है विच स्लोज डाउन, जो स्लो कर देता है और एंड स्टॉप्स और स्टॉप कर देता है मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू रोल ए रबर बॉल अलोंग ए सरफेस। क्या होगा अगर आप रोल करते हैं एक रबर बॉल को एक सरफेस पर, आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड बाद द बॉल स्लोज डाउन, तो बॉल हल्की हो जाती है चलना, एंड देन स्टॉप और रुक जाती है। द रोलिंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन, जो रोलिंग बॉल है वो स्टॉप हो जाती है फ्रिक्शन के द्वारा। द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड सरफेस ऑफ द अर्थ स्टॉप्स मूवमेंट ऑफ द रोलिंग बॉल। तो जो फ्रिक्शन लगा किसके बीच, बॉल के बीच में और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में, वो स्टॉप कर देता है मूवमेंट को जो रोलिंग बॉल होती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्लाइज फोर्स, तो सरफेस होता है अर्थ का, वो अप्लाई करता है एक फोर्स को ऑन द बॉल, बॉल पर और एनी अदर ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर, इन ए डायरेक्शन अपोज टू द इट्स मोशन, जो इसकी मोशन का डायरेक्शन का, मोशन की जो डायरेक्शन होती है उसका अपोज करता है। डू डिफरेंट सरफेस हैव द सेम फ्रिक्शन, क्या हर एक सरफेस का अलग अलग एक ही तरह का फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दिखाई गई है बेटा, तो यहाँ पर टू ऑब्जर्व वेदर डिफरेंट सरफेस हैव सेम फ्रिक्शन, तो वो एक्टिविटीज़ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्रिक्शन आर आल्सो कॉजेज हीट, फ्रिक्शन हीट का भी एक कारण होता है, इसके द्वारा हीट भी प्रोड्यूस होती है। व्हेन सरफेसेस आर रब्ड टुगेदर, जब सरफेस आपस में रब होते हैं, हीट इज़ प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होती है। रब योर हैंड टुगेदर, अपने हाथों की हथेली को आप एक साथ रगड़िएगा। हाउ डू यू फील, कैसा अनुभव करते हैं, आपको गर्म होता है ना थोड़ा। हाँ, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट वियर्ड अवे, तो
सरफेस होता है ऑब्जेक्ट का वो वेयर्ड हो जाता है ना। द बॉटम ऑफ योर शूज़, आपके जो शूज़ के बॉटम हैं। द टायर ऑफ ए व्हीकल, व्हीकल के टायर्स हैं। द पेबल्स और स्टोन्स नियर ए बीच बिकम्स स्मूथ ड्यू टू वियरिंग, है ना। इट इज़ कॉज बाय फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड पबल्स। तो ये सब किसके होता है, क्यों होता है, फ्रिक्शन के कारण, जो वाटर और पबल्स के बीच में होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको देखो यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा सब दिखाया गया है कि किस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट होता है। जैसे बॉटम ऑफ शूज़ आप क्या होता है, जब पहन के चलते हैं तो वो रब करता है ग्राउंड से, तो आप अगर टच करके देखें तो भी वो गर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग, फ्रिक्शन हेल्प्स यू इन वॉकिंग। फ्रिक्शन क्या करता है, हमें चलने में भी हेल्प करता है। व्हेन यू वॉक, जब आप चलते हैं, देर इज़ ए फ्रिक्शन बिटवीन योर फुट, आपके फुट यानी द सोल ऑफ योर शूज़, जो नीचे सोल होता है जूते का, वो उसके नीचे की सोल, वो ग्राउंड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन का वर्क करता है। दिस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्लिपिंग, ये आपको फिसलने से बचाता है। फ्रिक्शन हेल्प्स यू टू राइट, फ्रिक्शन आपकी हेल्प करता है राइटिंग में, जो आप जैसे आप राइट करते हैं, लिखते हैं पेन से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर आप एक बार लिखना शुरू करते तो वो पेन रुक नहीं पाता, चलता जाता है ना। तो इसी तरह से अगर हम चलते रहते तो फिर चलते रहते फिर रुकते नहीं, अगर फ्रिक्शन ना होता। तो ये हमें चलने में लिखने में हेल्प करता है। देयर इज़ ए फ्रिक्शन बिटवीन योर पेन, पेन एंड पेपर के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है जिस पर आप राइटिंग कर रहे हैं, विच यू आर राइटिंग, ऑन विच यू आर राइटिंग, जिस पर आप राइट कर रहे हैं। ट्राई राइटिंग ऑन ए शीट ऑफ पेपर विद ऑयली सरफेस, ऑयली सरफेस पर आप लिखने का एक बार ट्राई कीजिएगा। योर पेन विल स्लिप, आपका पेन स्लिप हो जाएगा, बिकॉज द ऑयल रिड्यूस द फ्रिक्शन, क्योंकि ऑयल जो है फ्रिक्शन को कम कर देगा। फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंक्रीज बाई मेकिंग द सर्फेस रफ, अगर हम किसी सर्फेस को रफ बना देंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट कैन बी डिक्रीज, और हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं, और बाय ऑयलिंग द सरफेस, सरफेस पर ऑयल लगाकर, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आज हमने रीडिंग कर ली है, आगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज मैंने आपको वीडियो में जितना भी कंप्लीट पार्ट बताया है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें बताइएगा, डिफिकल्ट टर्म्स फाइंड आउट कीजिएगा, जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके बीच में तो आप हमसे पूछ पाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।